हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि भगवान में अगर श्रद्धा हो या उनका आशीर्वाद प्राप्त हो तो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवन दान मिल सकता है। दुनिया भर में कई मंदिर ऐसे हैं जहां लोग अपनी मनोकामनाओं और मन की शांति के लिए मंदिर में आते हैं। उनमें से कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो मंदिर के प्रांगण में ही रुक जाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भक्त अगर रुक जाए तो उसकी जान चली जाती है? जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ रुकने के बाद व्यक्ति कल का सूरज नहीं देख पाता है। तो चलिए आज हम आपको उस मंदिर के दर्शन कराते हैं जहाँ भक्तों को कहा जाता है यहाँ रुकना मना है। सतना जिले के मेहर में स्थित यह मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सालों से यहाँ आ रहे भक्त बताते हैं कि मंदिर में सबसे पहले आला और उदल आकर माता शारदा की पूजा और श्रृंगार करते हैं। उसके बाद ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले माता शारदा की खोज इन दोनों ने ही की थी। 12 सालों की घोर तपस्या के बाद देवी ने इन्हें प्रसन्न होकर अमृत का आशीर्वाद दिया था। तभी से ये दोनों माता शारदा के सबसे बड़े भक्त बन गए थे। कहा जाता है कि रात को 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, और अगर कोई भी व्यक्ति भूले भटके इस मंदिर में आ जाता है या रुक जाता है तो वह कल का सूरज देख नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। इस मंदिर में माता शारदा की पूजा के अलावा देवी काली, दुर्गा, शेषनाग, श्री काल भैरवी, भगवान फूलमती माता, ब्रह्मदेव, हनुमान जी और जलापा देवी की भी पूजा होती है। मेहर तहसील के पास चित्रकूट पर्वत पर स्थित इस मंदिर को मेहर देवी का मंदिर भी कहा जाता है। मैया के दर्शनों के लिए यहां आने वाले भक्तों को 1063 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। भक्तों का मानना है कि मेहर में मां शारदा से मांगी हर मुराद पूरी होती है। लोग यहां मन्नत के धागे भी बांधते हैं तथा मन्नत पूरी होने पर दोबारा दर्शन के लिए आते हैं।